Hi, good morning. Hi. Good morning. Good morning. Hello everyone. ये हम आज कहाँ जा रहे? पैसे के डंडे में. Pacific Mall. मॉल में जाकर आप क्या करेंगे? गेम खेलोगे? हाँ. कौन सा गेम खेलोगे? अपना. चलो बहनी हाय बोल दो. आप भी बहनी हाय. सानू हाय. आय 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 आराम से आराम से आराम से. मेरा नाम है. मैं पहनूं? आज इस तो पहनूं. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल. मैं आपकी दोस्त हो सागरिका. तो आई नो दैट मैं इतने दिन से व्लॉगिंग नहीं कर पा रही थी, जस्ट अपने आप को टाइम दे रही थी. तो आज बहुत ही दिनों बाद थोड़ा सा टाइम मिला है और दीवी आ रखे हैं, तो बच्चों को थोड़ा सा घुमाने लेके जा रहे हैं. अभी जस्ट हम तैयार हो रखे हैं और अब निकलने वाले. तो अब बच्चे लोग सब लोग लोड हो चुके हैं. पापा गाड़ी निकाल दे रहे हैं. पापा नहीं जा रहे हैं, बस मम्मी दीदी मैं और दो बच्चे. तो निकलते हैं बस. अब बोलो, फिर से बोलो. हेलो एवरीवन बोलो. पहले हेलो एवरीवन बोलो. हेलो एवरीवन. आज हम जा रहे हैं पेटा फीट मॉल. पेटा फीट मॉल. अच्छा, अपने पापा को बता तो देता तू फोन करके. अरे मैं मेरे पापा को लगा आपको ड्राइव करने में. पहली बार ड्राइव कर रहे हो क्या? नहीं, पहले भी किया है, पर अपना गाड़ी तो कंफर्ट अपना होता है. हाँ, वो तो है. पहुंच जाएंगे. नलो चॉकलेट फ्रॉस्ट लग गया था. ये छोड़ो, ये छोड़ो, स्पून छोड़ो. ये तो नलो गर्म ही करी थी. नलो करी थी ना. टेक्निक करने पहले खाने के लिए एक एक पैक करा लेते बाजे के लिए. एक या दो स्कैम हो गया हमारे साथ. अच्छा, दोनों को एक ही चाहिए? वो बहनी का भी वही हालत है. कबाड़ी हो सकता है अभी नाम ना मॉल. कितना बड़ा है. हमें कहाँ छे खेली झूला झूली है ना. वाओ छे ना. तो कल जैसे कि आपने देखा होगा वीडियो में कि कल हम पैसिफिक मॉल गए थे एंड उसके बाद आकर बहुत ज्यादा थक गए थे और बच्चे लोग बिल्कुल भी मतलब कि घर में आके काम करना ये वो सो बहुत ज्यादा बिजी हो गए थे. देन मैं कल शूट नहीं कर पाई तो फिर आज मैं उस वीडियो को कंटिन्यू कर रही हूँ. और मैं लिटरली बताऊँ तो मैं बहुत दिनों बाद कंटिन्यू कर रही हूँ. बहुत दिनों बाद मतलब 10-12 दिन हो चुके मेरे लास्ट वीडियो को. एंड उसके बाद बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था होली एंड ऑल. एंड होली व्लॉग क्यों नहीं आया, क्योंकि होली व्लॉग मैंने शूट किया था अपने हस्बैंड के फ़ोन में और वो चले गए ड्यूटी और उनके फ़ोन में मेरा व्लॉग चला गया. एंड आई एम लाइक
शिट, इसलिए मेरा होली व्लॉग नहीं आ पाया और मैं सोच रही हूँ अब क्या डालना। मैं होली व्लॉग का ही वेट कर रही थी, मैं सोच पहले होली व्लॉग डालूंगी उसके बाद आगे की और वीडियोस डालूंगी, बट उनको आने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, उनको आउट पास नहीं मिल रहा है, तो फिर मैंने सोचा यार चलो यार अपना चैनल तो कंटिन्यू करना ही है। शॉर्ट्स तो मैं डाल ही रही हूँ, जैसे कि आप सब लोग देख ही सकते हैं शॉर्ट्स में बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है, तो फिर अब मैं बहुत दिनों बाद तो मैंने सोचा कि ना मैं जो पैसिफिक वाले वीडियो को वो बहुत शॉर्ट बना था, क्योंकि बच्चे लोग बिल्कुल भी शूट नहीं करने दे रहे थे वहाँ पर, बच्चों के साथ शॉपिंग करना और घूमना तो लिटरली लाइक बहुत मुश्किल बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था हमारे लिए। देन बड़ी मुश्किल से छोटा मोटा चीज़ें शॉप किया है एंड मैंने जो भी सामान लिया वो अपनी बेटी के लिए लिया है। मैं मतलब कि जो मेरी बेटी ने बोला ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए, तो वो सब चीज़ें मैंने ली है। तो मैं आपको शॉर्ट एक छोटा सा हॉल वीडियो है पैसिफिक के ऊपर। तो सबसे पहले तो हम लोग कहाँ गए थे, सबसे पहले ना हम लोग ऐसी नॉर्मली आप शॉर्ट्स में देख सकते हो, सबसे पहले हम डंकिंग डोनट्स गए थे, उसके बाद फिर हम लोग गए थे मैक्स। मैक्स में बिल्कुल भी शूट नहीं कर पाए क्योंकि ये मेरी गोदी में थी, पूरे पैसिफिक मॉल में ये मेरी गोदी में घूमी है, तो मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला शूट करने का। तभी मैं अभी रुको रुको अभी रुको ना, ये तो मुझे बिल्कुल भी हॉल वीडियो नहीं बना देगी, मुझे लग तो नहीं रहा है मैं सोची थी वीडियो बनाकर, बट चलो कोई बात नहीं सब हो जाएगा। कहाँ से खुलता है ये, कैसे खुलता है, चलो चलो कहाँ हो यो? क्या है ये, लॉलीपॉप। हाँ बताओ सब क्या खा रहे हैं आप, लॉलीपॉप। तो तो फिर सबसे पहले हम गए थे मैक्स, तो मैक्स में सेल तो कहीं मैक्स में सेल कहीं पर भी नहीं था, मतलब सेल क्या हम पूरे स्टोर पूरे पैसिफिक मॉल में कहीं पर भी सेल नहीं था। तो मैक्स में बहुत मुश्किल से हम ढूंढते 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 हमको फुटवेयर में सेल मिला था, तो सेल ऐसा था 50% ऑफ था सेल। तो फिर वहां से मैंने इसके लिए बड़ी मुश्किल से दो फुटवेयर लिए, बड़ी मुश्किल से मतलब वो भी इस, तो ये है पहला फुटवेयर देख सकते हैं आप, तो इसमें इट्स अ प्लेटफॉर्म हील जैसा है एंड ये रबर सोल है, मतलब सॉफ्ट रबर सोल है, और यहाँ पर ना पी यू फॉर्म है तो ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रहता है, मतलब पी यू फॉर्म करके एक आता है तो इट्स वेरी सॉफ्ट। और ये स्ट्रैप, और ये जो स्ट्रैप है ना ये ऐसा टाइप का बकल है इसका यहाँ पर, एंड दिस इज ऑफ रुपीज, ये था 699 का बट मुझे 50% ऑफ में ये 349 आई गेस, सो तो ऐसे कुछ पड़ा। एंड मैं टोटल बता देती हूँ, मैंने एक और फुटवेयर लिया था, एक ये लिया है बेज कलर में थोड़ा सा पिंकिश पिंकिश टोन है, एंड दूसरा है ये जो मुझे और दी को बहुत ज़्यादा पसंद आया था, मतलब ये देख सकते हो आप इसमें जो ये बीड वर्क है ना, ये दी और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था, मतलब दी भी ढूंढ रही थी अपनी बेटी के लिए बट उनका साइज ही नहीं मिला। शाम क्या कर रहा है बेटा, दो दे दो मम्मा को दे दो। हाँ तो फिर क्या हुआ कि इसमें भी सेम वही है, इसका नीचे से रबर सोल है एंड यहाँ पर पीओ फोम है, पीओ फोम बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट रहता है, मतलब हमारे भी फुटवेयर जितने भी होता है तो पीओ फोम बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रहता है। एंड इसका साइज, अब मेरी बेटी है 1.5 इयर्स की एंड इसको आता है 23, नॉट एग्जैक्ट 23 बट एक साइज बड़ा ही है इसके लिए, 22 इज हर साइज और 23 मैं लेकर आ गई कि अभी तो वैसे भी समर्स आए नहीं है, तो फिर मतलब आई है अगले महीने से बट हो जाएगा, थोड़ा लंबा चले बोल के ना वही होता है बच्चों का, तो फुटवेयर कितना जल्दी छोटा हो जाता है, कपड़े चाहे फुटवेयर चाहे जो भी हो। देन तो ये लिया था दूसरा, तो इसका भी कॉस्ट था 699 एंड ये दोनों फुटवेयर मुझे पड़े थे 699 के, मतलब एक के प्राइस में मुझे दो मिल गया था और फिर तो मेरा टोटल 699 का हुआ था। देन इतना ही मैक्स में इतना ही शॉप कर पाए और मैं अपना अपने लिए देख रही थी तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला, क्योंकि ये महाशय मैं जैसे इसको फुटवेयर ट्राई करा रही थी इसने बोला गोदी से उतारो और खुद ही सारे फुटवेयर ट्राई करने लग गई और फिर सारे फुटवेयर उठा उठा के झोले में डाल डाल के जिन दिमाग खराब कर दिया था, बच्चों के साथ बिल्कुल भी नहीं हो पाता है। देन उसके बाद फिर
हम वहां से निकल गए स्टोर 99 में. स्टोर 99 मेरा फेवरेट प्लेस है जहां पर मुझे रीजनेबल प्राइस में सब कुछ मिल जाता है. तो सबसे पहले तो मैंने इसको डाला ट्रॉली में, रखा. मैंने बोला भाई ऐसे गोदी में तो नहीं हो पाएगा शॉपिंग, इसको ट्रॉली में बड़ी मुश्किल से डाला, ये बिल्कुल भी नहीं मान रही थी बैठने के लिए ट्रॉली में. देन उसके बाद सबसे पहले तो इसको, सबसे पहला चीज जो मैंने पकड़ाया वो था ये लॉलीपॉप. ये है एक बड़ा लॉलीपॉप, बट ये मैं सोचता कि ये पूरा एक बड़ा लॉलीपॉप है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है. इसके अंदर एक अभी बहुत टाइम लगता है इसको खुलने में ना, तो मैं तो दिखा नहीं पाऊंगी अभी. तो अगर इसको आप देखना चाहेंगे तो आप मेरे शॉर्ट वीडियो देखेंगे, मैं डाल दूंगी इसका जब ये ओपन करेंगे. तो अभी मैं इसको ज्यादा मीठा देती नहीं हूँ तो फिर मैं भी खोलूंगी नहीं. इसके अंदर एक पैकेट होता है जिसके अंदर बहुत सारे वो होते हैं लॉलीपॉप्स होते हैं, और वो एक ना सर्कुलर प्लास्टिक के कंटेनर में उन्होंने डाल रखा है बस, और एक स्टिक लगा रखी है. बच्चों को अट्रैक्ट करने का काम ही किया है, बस अट्रैक्टिव चीजें, बड़ी बड़ी चीजें दिखा दो उन लोगों को, सब कुछ उठाने का मन करता है. तो सबसे पहला चीज, तो स्टोर 99 से सबसे पहला चीज जो था मैंने ये उठाया था ताकि ये ट्रॉली में बैठ सके, मतलब तभी मैं शॉपिंग कर पाई. देन जो नेक्स्ट चीज मुझे उसी के बगल में दिख गई थी वो था ये जेली का पैक. ये अभी ये खा रही है एंड ये है जेली का पैक. और ये अच्छा, दिस लॉलीपॉप कॉस्ट मी 150 रुपीज, ये 150 रुपीज का है. एंड ये भी, ये जो बॉक्स है ये भी मुझे 150 का था, इसमें 30 यूनिट्स है. एंड ये अच्छा मुझे फायदेमंद लगा, मतलब क्या अच्छा लगा ये डील ना मेरे को. कैसे शूट होगा ये पैसिफिक में भी ऐसी था, वो ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए. क्या हुआ कि वेट वेट करो ना रुको. तो उसके बाद बस ये कुछ ऐसा दिखता है, 4 कलर्स के गोल गोल, एंड इसके पीछे एक बैम्बू स्टिक सा लगा हुआ है. लो बस खुश, कैंडीज चॉकलेट्स, खुश बच्चे, और क्या चाहिए. तो ये था वो बॉक्स, ये मुझे बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद लगा. इसे मैं छुपा दूंगी, मैं इसको दिखाती न्यू चॉकलेट्स एंड ऑल भी हॉल वीडियो के लिए मुझे खोलना पड़ा, बट मैंने इतने दिन से इसको छुपा के, 10 दिन हो चुके मैंने इस वीडियो पैसिफिक गए हुए, मैं 10 दिन से सबको छुपा रखा था क्योंकि मैं इसको देती नहीं हूँ जल्दी से मीठा ना. उसके बाद फिर जबरदस्ती का इसने ये 79 रुपीज का ये बेथिंग स्पून जबरदस्ती का उठा दिया. और मम्मा ये भी चाहिए, मम्मा ये भी चाहिए, तो ये भी चाहिए चाहिए. लेकिन कोई बात नहीं, मेरा बेथिंग स्पॉन्ज वैसे भी एक ही, मतलब अभी मैं यूज कर रही हूँ एक, तो मेरे पास एक्स्ट्रा था नहीं, तो फिर ठीक है कोई बात नहीं, मैंने ले लिया. देन जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है वो है ये निबल्स का. लास्ट टाइम भी जब मैं पैसिफिक मॉल गई थी ना, तो फिर मैंने, मतलब लास्ट टाइम तो बहुत टाइम पहले, पता नहीं 5-6 महीने हो चुके, लास्ट जून में गई थी शायद, तब मैंने ये जीरा वाला बिस्किट्स लिया था निबल्स का. एंड इसमें ना बहुत सारे फ्लेवर्स आते हैं एंड सारे इतने ज़्यादा टेस्टी है, इतने ज़्यादा, मतलब कि मैं ये वाला सबसे अच्छा लगता है, इसमें मसाले वाले फ्लेवर्स भी है, बट मैं जीरा वाला इसके लिए लिया जस्ट फॉर डाइजेशन और थोड़ा टेस्ट चेंज के लिए भी. जैसे बाहर कहीं जाते हैं ना तो अच्छा सा ऐसे स्नैक जैसा हो जाता है इसे कहीं पर जाते हैं तो. एंड दिस इज फॉर 60 रुपीज और इसमें 150 ग्राम है ये. तो मैंने ये लिया थे दो, ये मैंने इसी के लिए लिए हैं, मैंने अपने लिए कुछ भी नहीं लिया है सीरियसली बोलो तो ये दो मैंने लिए एंड दोनों का सेम फ्लेवर है जीरा वाले. देन उसके बाद मैंने लिया था सेंटेड कैंडल, जो कि आप देख सकते हो, मतलब मुझे ना मतलब अपना थोड़ा सा ना वीडियो के लिए थोड़ा सा एक बैकड्रॉप मैं थोड़ा सा सोच रही हूँ, अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा उसे बनने में, तो उसके लिए मैंने ये छोटा सा ना एक सेंटेड कैंडल ले लिया था. तो ये दिस इज ऑफ स्ट्रॉबेरी फ्लेवर बोले स्ट्रॉबेरी फ्रेग्रेंस है इसका. एंड इसके ऊपर ये ऐसा कैप सा है, रोटेट कर खुलते हैं, ऐसे खुलता है. तो ये ऐसा कैप सा था एंड ये ऐसा है कुछ. इसका स्मेल मुझे इतना अच्छा लगा था ना, और भी फ्लेवर और भी स्मेल थे, बट स्ट्रॉबेरी मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगा. तो मैंने स्ट्रॉबेरी में लिया और वनीला भी था, मुझे थोड़ा स्मेल अच्छा नहीं लगा उसका वनीला का, एंड स्ट्रॉबेरी अच्छा लग रहा था. तो जब मेरा स्टूडियो क्रिएट हो, जब मेरा स्टूडियो बन जाएगा तब मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी. अभी मेरा स्टूडियो प्रोग्रेस पर है, अभी बहुत सारे सामान मेरे को लेने हैं, तो धीरे धीरे मैं ले रही हूँ एक दो करके. तो फिर थोड़े टाइम बाद आपको एक अच्छा सा सेटअप बैकग्राउंड मिलेगा देखने के लिए वीडियो में. एंड देन उसके बाद मैंने लिया है ये प्रो स्किन का फेस वाइप्स,
जैसे हम कहीं बाहर जाते हैं तो बच्चे लोग पता ही आपको मीठा खाते हैं, खाना खाते हैं, इतना गंदा करते हैं अपना हाथ, तो उस चीज़ को वाइप करने के लिए तो मैंने ये बाय वन गेट वन फ्री में था, तो मैंने इसमें दो अलग अलग लिए हैं। एंड तो ये है नीम विद एलोवेरा एंड दिस इज एलो विद कूलिंग मिंट। तो ये मेरे को था, ये था बाय वन गेट वन फ्री, तो ये था 110 का, दो था, दो है ये। तो बस इतना ही। तो अब मैंने जल्दी से ये सब चीज़ें पैक कर दी हैं ताकि ये ज़्यादा ना खाए मीठा, मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है ज़्यादा मीठा खाए, क्योंकि और ज़्यादा मीठा खाने से बच्चों को स्टमक एक्स होते हैं एंड डिजी फील होता है, बच्चे लोग खाना नहीं खाते, लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाता है, इसीलिए आप भी अपने बच्चों को ज़्यादा मीठा मत देना। तो इतना ही था पैसिफिक हॉल, पैसिफिक मॉल के शॉपिंग हॉल में। तो इतना कुछ मैंने ज़्यादा शॉपिंग किया नहीं क्योंकि करने ही नहीं दे रहे थे शॉपिंग, जहाँ भी जा रही थी बस पहले ही सारा उठा के बैठ जा रहे थे, तो फिर कहाँ से हो पाता है फिर शॉपिंग, है ना। उसके बाद फिर हमने खाया पिया, उसके बाद हम घर आ गए थे, जल्दी जल्दी आ गए थे हम घर, क्योंकि ये सारा टाइम गोदी में थी मेरे एंड मुझे पता है मैं कैसे शॉपिंग भी कर रही थी और उसे गोदी में लेके घूम रही थी। बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है बच्चों के साथ, तो बहुत ही ज्यादा, मतलब अगर आपके भी बच्चे तो आपको पता होगा कि कैसा होता है। खत्म बेगा, अच्छा, थैंक यू, वेलकम, थैंक यू, बोलो थैंक यू। तो फिर मतलब कि इतना ही था मेरे शॉपिंग वीडियो में। तो एंड आज है, अब मैं करने वाली हूँ 101 डे चैलेंज, मैं रोज आपके लिए व्लॉग्स लेकर आऊंगी 101 डेज तक। तो आज है डे वन, तो मैं ये वीडियो डालूंगी, देन और भी वीडियोस आएंगे आप लोग के लिए, रोज एक एंटरटेनमेंट होगा, रोज फन मस्ती होगी, तो आप मेरे व्लॉग को जरूर देखिएगा और इंजॉय कीजिएगा और मेरे चैनल को ढेर सारा प्यार दीजिए, बार बार देखिए व्लॉग को, नहीं भी देखना है तो ऐसे छोड़ दीजिए व्लॉग ऑन करके, कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे तो बस व्यूज बढ़ने चाहिए और तो डजंट मैटर्स कि आप लोग मेरे व्लॉग देखो ना देखो। और अपने फ्रेंड्स फैमिली सबके साथ शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने नहीं चैनल सब्सक्राइब किया है तो, शॉपिंग हॉल्स और मेकअप वीडियोज के लिए, ट्रैवल वीडियोज, जो भी कुकिंग वीडियोज, कुकिंग रेसिपीज, मैं सब कुछ अपने चैनल पर शेयर करती हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो अब मैं जल्दी से इस पैकेट को छुपा देती हूँ क्योंकि ये पीछे पड़ चुके, बार बार मीठा खाना है, मीठा खाना है, और मैं ज़्यादा मीठा देती नहीं हूँ। तो मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ, टुडे इज डे वन, तो डे टू का वेट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ढेर सारा प्यार दे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बाय बाय।